हेलो दोस्तों, राधे राधे। कन्हैया फैशन अटायर में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सलवार की बेल्ट पॉकेट कैसे लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और बहुत ही सरल है। चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बेल्ट काटी हुई है सलवार की। अब हमारे ये दो हिस्से हैं, तो हम ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। इसको हम एक पल्ले को उतार कर ऐसे एक साइड रख देते हैं, और जैसे हमने पॉकेट लगानी है उस पर हम निशान लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जब लगानी है, ये हमारा आगे का पल्ला है, तो हम इसको ऐसे नाप लेते हैं। मैं इसकी जो ये लगाऊंगी 10 इंच पे, ये देखिए यहाँ से मैं ये 10 इंच पे, 10 इंच पर ये मैं निशान लगा दूँगी। अभी ये मैंने पॉकेट लिया दोस्तों, ये देखिए ये मैंने लिया है डबल में 10 इंच लंबाई इसकी, ये देखिए। और चौड़ाई ली है इसकी मैंने 6.5, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हमने क्या करना है, एक तह इसकी खोलनी है ऐसे, और ऐसे पलटना है जो ये निशान लगाया था, और इसके हम और ऊपर से भी हम इसका 2.5 इंच निशान लगा लेंगे। यहाँ ये ऐसे रखेंगे इसको, और ये 2.5 इंच पर हमारा निशान हो गया। तो ये जो हमारा कपड़ा, इसको हम इस निशान पर ऐसे, ये देखिए दोस्तों, ये 2.5 इंच का निशान ना, इससे भी हमने ऐसे अटैच करना है। और एक ये जो 10 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ से हमने ये ऐसे कोना मिला कर रखना है। ये ऐसे रख दिया। अब हमने इसको क्या करना है, ये जो हमने पॉकेट का कपड़ा लिया है, इससे 2 इंच पर यहाँ निशान लगाना है, ये ऐसे करके। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा 6.5 इंच कपड़ा है पूरा, तो हम 3.25 पे एक ऐसा निशान लगाएंगे, और अब हम इसका सेंटर करेंगे। ये 5 इंच हमने ये ऐसे निशान लगाना, 5 इंच का इधर, 2.5 इंच इधर, ये देखिए। अब इसमें हमने एक ये सीधी लाइन खींचनी है, ये देखिए दोस्तों। अब जो ये मैंने लाइन खींची है, इसके में एक पैर इधर एक पैर इधर, 2 पैर हो गए हमारे। मैं ऐसे इसमें सिलाई लगाऊंगी 4 चौकोर। ये देखिए दोस्तों, ऐसे सिलाई लगानी है, ये ऐसे। मैं इधर से पलट कर दिखा देती हूँ, ये दिखाई देगी हमारी सिलाई, ऐसे हमने सिलाई लगानी है। अब मैं इस सिलाई को हल्का सा यहाँ कट लगाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कट लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, और इसके दोनों कोने ऐसे कट करने हैं हमने, ये देखिए। ऐसे ही इधर से भी कर लेंगे कोने, ये देखिए दोस्तों, दोनों मैंने कोने कट कर दिए हैं, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे अंदर की साइड पलटेंगे, ये देखिए दोस्तों, ऐसे अंदर पलटा। और जो हमारा ये मार्जिन है, इसको हम इधर की साइड रखेंगे, अंदर की साइड ऐसे, और इसको ये हमारा ऐसे बाहर दिखाई देगा। इसको ऐसे कर देखिए, ये हम मार्जिन इधर की साइड रखेंगे, तो ये हमारा ऐसे आएगा। इसके चारों तरफ हम ऐसे सिलाई करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे आएगी हमारी। मैंने ये प्रेस कर दिए, इसलिए दिखाई देगा आपको। अब मैं उल्टी साइड से आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे आएगा हमारा। उल्टी साइड हम इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए, ये ऐसे हमारी यहाँ बुक्स प्लेट बन जाएगी एक ऐसे। और इधर भी इस पर आप प्रेस करेंगे, तो ये बिल्कुल सेट ऐसे ऐसे बैठ जाएगा कपड़ा। अब हम इसको पहले हम इस पर यहाँ इसके चारों तरफ में सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग बनी है इसकी पॉकेट की ही। अब हम इसको इधर से पलटेंगे इसको, ये देखिए मैंने उल्टा कर दिया है। अब ये पॉकेट जो है हमारी, ये पल्ला उठाएंगे, और ये हम दोनों साइड इसको सिलाई लगा लूँगी मैं ऐसे करके। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है इसकी। आप पॉकेट का नाप अपने हिसाब से रखेंगे, आप इसको चौड़ा भी कर सकते हैं। जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए, आप उसी हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। मैंने अपने हिसाब से रखी है ये।
ये देखिए हमारा ऊपर का हिस्सा मैंने बंद नहीं किया, क्या इसलिए नहीं किया, जब हम इसकी ये नेफा बनाएंगे तो इसको मैं ये ऐसे आ जाएगा, ये देखिए ये इस पर ऐसे मैं सिलाई कर दूँगी। मैं इसका नेफा बाद में मोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसमें इलास्टिक डालनी है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से ये पॉकेट दिखेगी, ये देखिए ये हमारी, देखिए देखिए दोस्तों पॉकेट बनकर हमारी तैयार हो गई है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप समय समय से मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं एक नया लेकर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।